बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं शुभम नगे। इस वक्त हम संजय नगर में खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। और हालांकि पुलिस बल यहां पर तैनात है, यहां पर कुछ देर पहले एक वाक्य जो है वो घटित हुआ है। दो लड़कियां हैं जो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। हालांकि उनके अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो लग भी रहा है कि कुछ ज़्यादा मारपीट जो है वो की गई है। यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है और यहीं पर ये दोनों युवतियाँ जो हैं यहाँ पर आई थी लड़कियाँ, और उनमें से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे दोनों में से किसी के। फिलहाल अभी मीडियाकर्मी से पूरी बात जो है वो की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, ये तस्वीरें हैं और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर पैसे निकालने के लिए आई थी और कुछ लड़कों ने जो है वो मारपीट इनके साथ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो यहाँ पर पहुँच गई है और मामले को दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी जो है यहाँ पर है और अभी तमाम चीज़ों को खंगाला जाएगा, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी क्या मामला है, किस तरीके से ये चीज़ जो है वो घटित हुई है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं लड़की सामने खड़ी है और अभी मीडिया से बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन पूरा क्या मामला है हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन फिलहाल अभी अगर मैं बताऊं तो इस वक्त हम संजय नगर में हैं और यहाँ पर जो है ये हादसा जो है वो घटित हुआ है। दोनों लड़कियाँ जो हैं यहाँ एटीएम में पहुँची थी और पैसे निकालने हैं। उसके बाद कुछ लड़के यहाँ पर थे जिनके साथ इन्होंने इनके साथ बदसलूकी करी और इनको ऐसा मारपीट भी करी, ऐसा आरोप ये लगा रही हैं। हालाँकि अब पुलिस यहाँ पर पहुँची है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इन्वेस्टिगेशन तो की जाएगी लेकिन हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चोट जो है लड़कियों को वो आई है यहाँ पर और पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि मामले को दर्ज तो कर लिया गया है लेकिन किस तरीके का ये वाकया है सीधा हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे। लेकिन ये हादसा जो है अमूमन देखा जा रहा है और लड़कियों की अगर बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न है और सिक्योरिटी जो है वो मद्देनज़र जो है ये एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक साथ ही में है और साथ ही में इसके जो है वो एटीएम था यहाँ पे, दोनों लड़कियाँ यहाँ पहुँची थी और यहाँ से कैश जो थी वो निकाली जा रही थी और कैश के बाद ये मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल सिचुएशन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पहुँच गई हैं क्योंकि पुलिस को इतला किया गया था और पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। और अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो हम इसमें संजय नगर में हैं और संजय नगर के ये पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है फिलहाल, और हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिलहाल। लेकिन पैसे निकलवाने आई थी दोनों, और क्या दोनों बहनें हैं, क्या रिश्ता है, वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट किया है, किस गाड़ी में थे, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको यही कहूँगा, फिलहाल कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी मीडियाकर्मियों से बातचीत हो गई है और अभी लास्ट टाइम इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ फिलहाल। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि ये हादसे जो हैं अमूमन देखे जा रहे हैं और फीमेल सिक्योरिटी जो है उससे कंसर्न मद्देनज़र ये एक मामला है। हालांकि रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली गई है, पुलिस जो है वो शिनाख्त करेगी और क्या इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, सब कुछ है, फिर भी बदसलूकी जो है महिलाओं के साथ की गई है, ऐसा क्यों किया गया है तो ये सोचने की बात रहेगी। फिलहाल अभी मीडिया ब्रीफिंग जो है, मीडिया से बातचीत करने का, मीडिया यहाँ पहुँच गई है, पुलिस यहाँ पहुँची हुई है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जो हैं अमूमन जो है वो नज़र आ रहे हैं और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम सिर्फ मुझे एक मिनट चाहिए, मैम क्या थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं? मैं थकी बोल के। अभी हुआ क्या था ना, हम एटीएम में आए थे पैसे निकलवाने के लिए आए थे, मुझसे पहले चार बंदे यहाँ पर थे, मैंने 10-15 मिनट वेट किया, ये बंदा बाद में आया, इससे पहले एक था जिसके बाद मैं थी, बट ये कहता है कि नहीं मैंने निकलवाना है। मैंने कहा भैया हमें लेट हो रहा है तो आप प्लीज़ हमें निकालने दो। कहते हैं नहीं मुझे भी बॉम्ब फेंकने जाना है पाकिस्तान, पहले मुझे लेट हो रहा है। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है चुप हो जाए कोई बात नहीं निकालने दे। मैंने कहा यार हम कब से वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें आगे जाना है, लेट हो रहा है इसको। मैं यहाँ अभी आई होती तो अभी चलो मैं इनके बाद आई हूँ, लेकिन मैं इनसे पहले आई हूँ, वो भी चार बंदों से पहले आई हूँ। तो कहते हैं मुझे लेट हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ा इसने कहा, कहते अब मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा, मैंने निकलना ही नहीं, अब मैंने जाना ही नहीं, मैं पूरी शाम यहीं पर खड़ा रहूँगा, ऐसे बात कर रहा था। मैंने कहा ये कोई तरीका होता है, मैं रो यहीं पर खड़े, मैं निकल आई थी। फिर मेरी फ्रेंड कहती नहीं हो गया तो हम निकाल लेते हैं हम पैसे। फिर उसने निकाले पैसे, कहता इसके पास आकर कहता है क्या कहते हैं डालो सिर अपना एटीएम में। तो मेरी फ्रेंड ने कहा मैंने आपसे आराम से बात की, तरीके से बात की, आप कैसे बात कर रहे हो। तो फिर उसने इसको गंदी लैंग्वेज निकाली, बहुत गंदी ना, माँ बहन की बहुत एब्यूज वर्ड यूज़ किए। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा ये कौन सा तरीका होता है बात करने का, फिर उसने उसको थप्पड़ मारा।
उस लड़के ने मेरी फ्रेंड को थप्पड़ मारा, लात मारी, फिर मेरी फ्रेंड ने वापस उसको धक्का दिया, शूज़ भी फेंका मेरी फ्रेंड ने, फिर उसको लगा नहीं, उसने उठाकर फिर मुझे फेंका जो मुझे यहाँ पर हिट हुआ है। आपको चोट आई अभी? हाँ, उसी की वजह से चोट आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनको नाक पे अभी भी ब्लड जो है उसके निशान यहाँ पर हैं और यहाँ पर चोट जो है इनको आई है। आप कितने लोग थे? हम दो फ्रेंड थे, वो गाड़ी में आए थे, वैगनार गाड़ी थी उसकी, दो सरदार थे वो, तो आकर मतलब कि इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की, फिर गाड़ी में भी बैठ के वो डंडा निकाल के उसको हिट करने के लिए आया था। अगर मैं नहीं रोकती, मतलब पीछे नहीं होती, वो हमें मार ही जाता, मुझे लगता है या उसको लगता है, डंडा सिर पे लगने से कौन बचता है। लेकिन इतना क्या, वो पैसे वाला जो भी है उसके पीछे बैक है कुछ भी है, लेकिन ऐसा भेद थोड़ी करना है किसी के साथ। आपने नंबर वगैरह गाड़ी का? हाँ, गाड़ी का नंबर JK02A J9959 है, वैगनार गाड़ी है। तो ऐसे बंदों को बाहर निकलना भी मुझे कहते हैं कि इनको अंदर ही ढके रहे तो वो अच्छा है। मैम लेकिन अभी तो दिन का समय है ऐसा, और गाड़ी में डंडे लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब गुंडे हैं, जो कहीं पर भी कोई मेरे कृपान निकाल के देख रहे हैं तो मार देंगे, क्या कर सकता है बंदा। लेकिन जो दिन का समय है, रात का समय हो तो बंदा समझता है, लेकिन दिन के समय में ऐसा हो रहा है, इनको कोई इतनी दुनिया खड़ी होगी, आप सीसी कैमरे भी चेक कर सकते हो, पूरी दुनिया खड़ी होगी यहाँ पर, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम हेल्प करते हैं। मैंने ही अपनी फ्रेंड को पीछे किया। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में सच में उस बंदे के जाकर पता करें, उसकी फैमिली को बताएं ये हुआ क्या, उसने ऐसा किया क्यों। तो आपने देखा सीधी बातचीत हमने जो है इनसे करने की कोशिश करी है, यही वो एटीएम है। यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर आई थी पैसे निकाले, और पैसे निकालने में क्योंकि लाइन लगी होगी और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें आगे जाना है, धक्का मुक्की हुई उस केस में, इनको चोट जो है लाइव दिखाने का प्रयास किया किस तरीके के नाक पर जो है चोट आई है। हालांकि गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाल रही है, और साफ तौर पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं युवतियों द्वारा कि डंडे लेकर मारने का प्रयास किया गया, दो सरदार युवक बताए जा रहे हैं, और कहाँ के रहने वाले कहाँ के नहीं अभी, हालांकि पुलिस जो है वो यहाँ तैनात और स्टेटमेंट जो है वो ले लिया है, और आगे तहकीकात जो है वो की जाएगी। फिलहाल दोनों जो हैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि मामला दर्ज करना है, FIR लॉन्च होगी, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसे किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस तरीके के हादसे दिन दहाड़े जो हैं, जिस तरीके की गुंडागर्दी जो है सामने आ रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये जो गाड़ी है इनके फैमिली तक ये वीडियो जरूर पहुँचे कि आपके घर पर भी कोई बहन जरूर होगी, बेटी जरूर होगी, आप इस तरीके से किसी बहन बेटी के साथ इतनी बदसलूकी जो है वो नहीं कर सकते। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर, मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।